हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब अच्छे से होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। और 9 बजे मॉर्निंग का साथ मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज ना एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। आज मेरा 27th बर्थडे है, मतलब आज मुझे 27 ईयर कम्प्लीट हो गया। सो मैं सोच रही हूँ अभी जाके थोड़ा मंदिर से दर्शन करके आ जाऊँ। एंड बेटू अपने दादी के पास, पापा के पास खेल रहा है, तो उसका भी बाकी सारा जो काम करना है, तेल का मसाज देना है, खिलाना सारा काम बाकी है। तो मैंने सोचा कि पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूं, फिर क्या करती हूँ दिन भर, कहाँ जाती हूँ, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्लॉग के थ्रू। मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। बेटू को मम्मी अभी खिला रही है, उसको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उसको घर पे ही मम्मी के पास छोड़ के जाएंगे। एंड बर्थडे वाला दिन सुबह सुबह जगन्नाथ का दर्शन करना, मतलब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो जल्दी से हम लोग निकलते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मंदिर कैसा है। आप लोग देखे ही होंगे बेबी का जहाँ पे मुंडन हुआ था ना, वो वाला मंदिर है। एंड वो ना हमारे बालकनी से भी दिखता है, मतलब हर सुबह आप उठो और मंदिर का दर्शन करो। ये हमारा बागान का आम है। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा जो बागान है वो कहाँ पे है एंड कितना बड़ा है। आज हम लोग का प्लानिंग है वहाँ जाने का। हो गया एंड भोग वगैरह जो लगाना था वो भी हम लोग लगा लिए हैं। अभी मैं जाती हूँ महालक्ष्मी मंदिर में, थोड़ा बैठ के आऊँगी। जब भी मैं जगन्नाथ टेम्पल में आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून फील होता है। वैसे तो मैं जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ एंड मुझे लगता है जो भी मुझे लाइफ में मिला है ना, सिर्फ उन्हीं के वजह से मिला है। ये सारा जो स्तोत्र एंड श्लोक वगैरह लिखा हुआ है ना, वो सारा मेरे जो दादू हैं वो आके लिखे हैं। ये उनका हैंडराइटिंग है। मंदिर से आने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है। एंड फिर मैंने बेटू को नहलाया, उसको रेडी किया, वो अभी खेल रहा है एंड मैं भी रेडी हो गई हूँ। ड्रेस चेंज मैंने कर लिया है। हम लोग अभी निकल रहे हैं थोड़ा बाहर एंड जीवन बोले कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, लंच वंच करके आते हैं, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग निकलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा गांव है। ये तो लो अच्छी है। ऐसे जो चा जो ये कौन है? चाट दो घंटा चलो ताले छोड़ो। फेमस चाट बढ़िया कोटी कोटी चलो ना असल लग जो है। अभी हम लोग जाएंगे वहां पर रेस्टोरेंट कौन मिल जी ठीक ताला सजा सब।
बच्चे थे तब से खा रहे हैं। अच्छा, उस टाइम 2-3 रुपया था वो एक प्लेट का। तो मेरा जो ब्रदर है, छोटा हाँ। भाई है लिखू, हाँ। लिखू और मैं आते थे यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे आके यहीं पे चार्ज करते थे। तो ये भैया जो है इनका 35 ईयर्स का ये स्टॉल है, मतलब तब से स्टॉल लगा रहे हैं सेम जगह पे एंड बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब गाड़ी में पूरा एसी ऑन है फिर भी देखिए मेरा हालत, मतलब कितना ज़्यादा गर्मी। इसीलिए मन नहीं कर रहा था कहीं आने का, जीवन का लिए बोले ही नहीं चल, मेरा आज बर्थडे है, थोड़ा घुमा के लाता हूँ, जल्दी घर चले जाएंगे। यहाँ पे बाहर मतलब उतना धूप नहीं है पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला ऐसे गर्मी नहीं होता, वैसे टाइप का फील हो रहा है। आइसक्रीम खा के आगे हम लोग क्या किए, क्या किए बोलो, एक दिन मुझे बोल रहे थे कि मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, अपना भी चैनल खोलूंगा और तेरे से 2-4 दिन में ही मेरा ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा। मैं बोली अच्छी बात है, स्टार्ट करो। एक्चुअली बहुत कैमरा शाय है ना, आसपास पहुंच गए हैं एंड जीवन गए हैं थोड़ा सब्जी वगैरह लाने के लिए। जैसे ये सब काम खत्म होगा ना हम लोग सीधा जाके पहुंचेंगे बागान में एंड थोड़ा ना शाम का टाइम हो गया है तो मैं ट्राई करूंगी जितना हो सके मैं दिखाने के लिए आप लोगों को। पूरा बंजर जमीन था, ये धीरे धीरे ये जगह जो है डेवलप हो रहा है। तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये सब ना, ये सब प्लांट्स जो है पापा लगाए हैं, टी कूड के प्लांट्स हैं। एंड वहाँ से मैं दिखाती हूँ, वहाँ से ना एक नेचुरल स्ट्रीम है, वहाँ से पापा पानी लाके मतलब बाल्टी में भर के एक एक बाल्टी लाके ये सब प्लांट्स लगाए हैं एंड बहुत डिफ़िकल्टी में ये वाला बागान जो है वो स्टार्ट किए थे। आप अंदर जाओ ना आपको इतना लाइवली लगेगा ये जगह, मैं एक दो बार ही आई हूँ। ये सब काजू है, काजू के प्लांट्स, और ये भी आम का पेड़ है। यार बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का है, कितना वैरायटी होगा, ऑलमोस्ट 10-12 वैरायटी के आम के प्लांट्स हैं। आम भी है, मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा प्लांट्स है और उसमें भी आम है। वाओ, एक पेड़ में ना इतना सारा आम आया है ना, वो वाला ब्रांच एकदम नीचे लग गया है जमीन पे, ये वाला वाओ, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आके ना मन भर जाता है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था मुझे पता है, मैंने देखा है जब स्टार्टिंग वाला फेज में मेरा जब नया नया शादी हुआ था उस टाइम ये वाला जो बागान है स्टार्टिंग फेज में ही था एंड पापा
मतलब बहुत स्ट्रगल किए हैं इसको बनाने में, एक एक प्लांट लाके चुन चुन के आम का पेड़ लगाना, पानी देना, एक एक प्लांट को जिंदा रखना, काफ़ी स्ट्रगल था उस फेज। अभी तो बड़ा हो गया है, जब भी आते हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर जिन्होंने बनाया है उन्हीं को पता है कि कैसे एक इतना बड़ा बागान उन्होंने क्रिएट किया है। एंड जब ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रहा था, सब कोई बोल रहा था कि अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है कोरोना के फेज में, उस टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि पापा एक ऐसा काम किए हैं, मतलब वो एक जंगल क्रिएट किए हैं, इतना प्लांट्स लगाए हैं, तो सोचिए कितना ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। कितना होगा टोटल? 10,000 to 12,000 प्लांट्स लगाए हैं पापा अकेले, मानना पड़ेगा। हम एक दो घर में इंडोर प्लांट्स रखते हैं, वो भी कभी मर जाता है ना, हम संभाल नहीं पाते हैं, पर सोचिए 10,000-12,000 अगर कोई प्लांट लगाया है एंड फुल्ली ग्रोन, मतलब अभी जिसमें फ्रूट्स आ रहा है, वाओ। हर एक प्लांट में इतना अच्छा अच्छा आम है ना, मैं ईच एंड एवरी प्लांट तो नहीं दिखा सकती आपको, मतलब बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा एंड आपको भी बोर लगेगा, पर सच्ची बता रही हूँ, मैं यहाँ पे अभी आई हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं बोल नहीं सकती। एंड बेटू जब बड़ा होगा ना, वो प्राउडली बोल पाएगा कि मेरे दादाजी जो हैं इतना एक जंगल क्रिएट किए हैं। सी वाओ कितने क्यूट लगो जी, वो सामने हमारा फार्म हाउस है। बारिश के सीजन में यहाँ पे सब्जी लगेगी। अच्छा, इसीलिए पहले से ही क्लीन कर दिए। ये वो है क्या, क्या बोलते हैं इसको, पाइनएप्पल। यहाँ पे सब फ्लावर प्लांट्स, मैरीगोल्ड है सब। कार का डिपार्टमेंट सब मम्मी का है एंड फ्रूट्स का डिपार्टमेंट पापा का। यहाँ पे भी सब लगाया हुआ है, ये सब फ्लावर प्लांट्स है। इटा कौन हो मम्मी, इटा कौन हो, इटा इटा पंपकिन। अजय कौन को चाकू खाई भी ना, कौन कहो इतना बड़ा कौन ना, 10 वर्ष बड़ा। हाँ 10 वर्ष है थी, 10 वर्ष है थी। नानो है ना, ये पापा के साथ स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, मतलब 10 साल हो गया ये जब से बना रहे थे ना पापा, स्टार्टिंग फेज से ही। पैन कौन रखी जा, कौन आके भी अंबा दो, कौन आके पीछे दे मिले, भर भर के आया है। वैसे तो पापा बोल रहे थे कि इतना भी कम है, मतलब जब बड़ा हो जाएगा ना प्लांट्स और भी आएगा, है ना, छोटा अभी है ना। थक गए हम लोग एंड यहाँ पे बैठ गए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग से चल चल के आए, यहाँ एंड भी नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट आधा तक हम लोग आए हैं, क्योंकि काजू का जो बागान है वो अलग है, इसके बाद है वो, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है, वो एकदम जंगल जैसा बन गया है, जो प्लांट्स है वो बड़े बड़े प्लांट्स है एंड वो लोहे का वायर्स दिया हुआ है, उसके नीचे से होके जाना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअली पापा या दादाजी से शुरू नहीं हुआ है, ये एक्चुअली उनके दो जनरेशन पहले से शुरू हुआ है। एक्चुअली मेरा जो दादाजी थे, उनका जो ससुर थे, उनका एक बड़ा सा बागान था वहाँ पे। वो जब दादी शादी करके आई यहाँ पे, तो दादाजी सोचे कि उनका वहाँ पे एक बागान है तो मैं भी एक बना, ताकि दादी को किसी चीज का कमी फील ना हो कि मेरे मायके में ये था, यहाँ पे नहीं है मेरे पास। हाइट ऑफ लव, तो हो सकता है वही हुआ होगा। तो दादाजी ने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो दिख रहा है, जो बड़ा वाला सब प्लांट्स दिख रहा है, अच्छा, वहाँ वहाँ वो है हम लोगों का पुराना बागान जो दादाजी ने स्टार्ट किया था, दादाजी ने लगाया था। वहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा प्लांट है, जो मेरा मतलब मुझे याद है बचपन में हम लोग जब आते थे
तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मतलब आम होता था। तो हम घर पे जाके दादी जी से स्टोरी सुनते थे कि दादा जी कैसे आके उसको बनाए थे। वो भी बहुत मतलब स्ट्रगल से वो वाला बागान बनाए थे। पापा तो लगाए हैं, उनके पीछे भी उनका जो छोटा भाई है मेरा जो अंकल है वो हमेशा मोटिवेट करते थे। चाचू का एक्चुअली एम था कि वो लोग बनाए, ये आइडिया एक्चुअली चाचू का था एंड पापा एंड चाचू दोनों मिलके बनाए। हमारा ना मतलब पूरा ब्लड लाइन में है ये प्लांट के लिए लव जो है वो है, मैंने देखा वो चीज। मुझे याद है जब लगाते थे ना मैं हमेशा बोलता था क्यों बेकार में जाके वहाँ पे करते थे, बीच में क्या मिले भी थोड़ा ये हो गया, वो रात को सो नहीं पाते स्टार्टिंग में बोलता था वगैरह। और उनका जो आंसर है ना मुझे अभी तक याद है, वो बोलते थे कि अरे ठीक है लगाएंगे अभी, वो कुछ नहीं पेड़ तो कुछ प्लांट्स तो कुछ हो जाएगा। तो उनका ऐसे नहीं बोलते थे पापा, कैसे बोलते थे उड़िया में बोलो ना ठीक हो जी जा अब गोचोरा बड़ा है बड़ा है कैसे लगी जी। मतलब सोच आप देखिए, वो उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका तबीयत का क्या हो रहा है। उनको हमेशा लगता था कि प्लांट्स ही बड़े हो जाए, किसका फायदा होगा नुकसान होगा वो अलग बात, पर प्लांट्स जब होगा ना ये खाली फल खाएंगे या जमीन कोई रख लेंगे, इसका ये चीज़ का प्रॉफिट नहीं है, सबके लिए प्रॉफिट है। एटलीस्ट ऑक्सीजन तो मिलेगा, बिना कोई सपोर्ट का इतना बड़ा पापा जी ने बनाया है, एक्चुअली हम लोग प्राउड फील करते हैं। ये जो है ना ये हमारा पुराना वाला जो बागान है ना जो दादाजी ने स्टार्ट किया था बनाया था वो वाला है। अभी पूरा घूम लिए हम लोग, पूरा तो नहीं घूमे जितना घूमना था क्योंकि शाम हो गई है, तो काफ़ी दूर तक हम लोग गए थे और आगे नहीं गए। अभी लॉक वॉक करेंगे वहाँ से, अभी घर जाएंगे। कुन्नी बेबी और बड़ा बेबी कौन कर चो तुम मैंने कौन कर चो मुड़ी है जाए। अच्छा कौन है बाबा कौन है? एक काजू का प्लांट में दिखा देती हूँ, देखिए मम्मी जो है सुंदर है जी। हाँ से भीतर भी है जी, काजू खत्म हो गया है, मतलब हो के ये लास्ट बैच है शायद। काल दो दिन पे पूरी नहीं जाएगी बेबी नो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sonu. आगे तो खाई जन्म हम तो केक कटिंग वगैरह सब हो गया एंड आज का पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया एंड बागान जो हम लोग गए थे वहाँ बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली पहले एक दो बार ही गई थी पर उस टाइम ना आम नहीं आया था, तो अभी सारे जो प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट है तो देख के बहुत ही अच्छा लगा एंड वो जगह ना एकदम लाइवली जगह है, वहाँ पर जाने से ही एकदम मूड अच्छा हो जाता है। एंड आज मेरा ये जो बर्थडे है मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया सेलिब्रेट किया एंड अभी जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम है डिनर प्रिपरेशन करना है एंड बेटू ना एकदम चिट-चिट कर रहा था तो मैंने उसको सुला दिया है। तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे रखती हूँ एंड आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए एंड हम मिलते हैं और कोई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।